गाइस, इस दुनिया में कई चीज महिला और पुरुष के हिसाब से खास तौर पर तैयार की गई हैं, मगर इसके बावजूद वो चीज उनके लिए मुफीद नहीं बैठी जिसके लिए उसे खास तौर पर इजाद किया गया था। गाइस, दरअसल लड़कियां जो हाई हील्स पहनते हुए दिखती हैं वो उनके लिए नहीं बनाई गई थीं। गाइस, हाई हील्स वाले जूते और चप्पल पहनने का शौक भला किस लड़की को नहीं होगा। ये हाई हील्स अच्छे खासे दामों में बेची भी जाती हैं, यहाँ तक कि इन्हें खरीदने के लिए खास सेल का आयोजन भी किया जाता है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हाई हील्स लड़कों के लिए बनाई गई थीं। गाइस, हाई हील्स इसलिए बनाई गई ताकि मर्द ज़्यादा मर्दाना दिखा सकें। प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि लड़कों के हाई हील्स पहनने से वो ज़्यादा मर्दाना दिख सकते हैं, और इसके लिए पुरुष ने हाई हील्स पहनना शुरू किया। इतिहास के अनुसार हाई हील्स का सबसे पहला उपयोग 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था, जो पर्शियन लोग का समय माना जाता था। एक कहावत के मुताबिक उनका मानना था कि हाई हील्स पहनने से बहुत अच्छे तरीके से धनुष चलाया जा सकता है। इसके साथ ही उनमें घुड़सवारी करने में भी काफ़ी सहूलियत रहती है। गाइस, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ बदलाव होते चले गए, और इसी का नतीजा रहा कि हाई हील्स को लड़कियों ने पहनना शुरू कर दिया। लड़कियों ने हाई हील्स को बड़ी तेज़ी से अपनाया। इसकी एक वजह ये भी थी कि मर्दों की अपेक्षा में लड़कियां हाई हील्स में ज़्यादा आरामदायक महसूस करती थीं। अगर मौजूदा दौर में पुरुष के फुटवेयर स्टाइल पर नज़र डालें तो अभी भी कुछ ऐसे जूते दिखाए जाएंगे जो काफ़ी हद तक लड़कियों की हाई हील्स से मैच होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि पुरुष ने हाई हील्स को नहीं अपनाया और कुछ नए इजाद किए जो हाई हील्स से भी कंफर्टेबल और अच्छा था। खैर, अगर आप इस बात का जिक्र कभी लड़कियों से करें तो शायद वो इस बात पर यकीन नहीं करें। कई लड़कियों का मानना है कि हाई हील्स पहनने से पर्सनालिटी में भी खुलापन देखने मिलता है, और अक्सर लड़कों को भी हाई हील्स पहनने वाली लड़कियां काफ़ी पाती हैं।